तरफ, मैं तो भाग के आ गया भाई पूरा को पूरा। ओए नहीं यार ये। ओके सो ही हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का इन दिस न्यू गेम प्ले वीडियो। तो कैसे को आज हम लोग खेलने जा रहे हैं गेम जिसका नाम है ग्रैनी रीमेक। अभी देखो ग्रैनी जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ग्रैनी खुद में बहुत ही ज्यादा एक फेमस कैरेक्टर है, काफी एक फेमस गेम है। तो इसके बहुत सारे चैप्टर्स आ रखे हैं पहले, लेकिन ये जो है रीमेक, अभी रीमेक से पता चल रहा है कि इसमें जो है इन्होंने ग्राफिक्स जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बना दिए, काफी इंप्रूवमेंट्स किए इन्होंने गेम का जो लुक है जो ग्राफिक्स है उसके ऊपर। तो इस बार जो ग्रैनी है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है, पूरा जो गेम है पूरा जो इसका घर है। एंड ग्रैनी खुद काफी डिफरेंट है इस बार, मतलब पुरानी जो ग्रैनी थी ना वो काफी डिफरेंट थी, उसकी शक्ल डिफरेंट थी। इसमें इसने काफी इसकी शक्ल बहुत ही डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है इसने कुछ मास्क पहना है पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रीपी एंड डरावनी इन्होंने बनाई है इसमें। तो लेट्स सी हम लोग एस्केप कर पाते कि नहीं, एंड चलते हैं सीधा हम लोग इस ग्रैनी से मिलने, लेट्स गो। ओके गाइस, तो देखो हम लोग फिलहाल तो अभी बाहर मतलब घर के बाहर है, ठीक है। एंड मुझे लगा शायद हम लोग घर के अंदर ही सीधा लैंड अप होंगे, लेकिन ऐसा सीन नहीं है, हम लोग अभी बाहर है, काफी बर्फ गिर रही है। अभी सामने है, शायद से सामने वो ग्रैनी का घर है, तो हमें उधर तक जाना है। एंड बैटरी भी काफी कम है कैमरा की, सब कुछ है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके ठीक है चलो लेट्स गो लेट्स गो। अभी पीछे तो कोई है नहीं, ओ भाई बहुत ज्यादा भीड़ है। ओके कोई है तो नहीं ना, कोई है कोई है, हम लोग आ रहे हैं। ग्रैनी को बोलो रेडी रहो, हम लोग आ रहे हैं, वी आर कमिंग। जूम, ओके तो ये अपन ने जूम किया, ये है इसका घर, काफी प्यारा सा है। व्हाई इज दिस हाउस लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट? यस ओ ओ भाई, तो गाइज उसने जो है अपने को किडनैप कर लिया है, ग्रैनी ने अपने को पकड़ लिया है, एंड उसने जो है अपने को उसके घर के अंदर ट्रैप कर दिया है। अभी खेल शुरू होता है, हमें जो है बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये है कोई तो लेटर जो ग्रैनी छोड़ के गई है हमारे लिए, इसमें इसने लिखा है आर यू अवेक, ओ व्हाट टेंडर ड्रीम्स यू मस्ट हैव हैड इन माय बेड, आई एम सो सॉरी बट आई हैड टू लीव यू अलोन फॉर अ मिनट एज देयर इज ऑलवेज सो मच हाउस वर्क टू डू, ठीक है। तो आई नो यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग हियर, आई मस्ट से आई अंडरस्टैंड योर एंग्जायटी, आफ्टर ऑल नथिंग कैन कंपेयर टू द हॉरर ऑफ द अननोन, राइट। लेट मी टेल यू अ लिटिल सीक्रेट माय डियर, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ गेस्ट लाइक यू। My hunger wakes up only at dawn when the light barely begins to lick the window panes. It's not a question of ethics or morality, but rather cooking. My soup becomes the most delicious when, you know what I mean, right? I know you're scared, you must be frightened, but know that my art is not just a horror. It's art. When I cut you, I will do it with love, just like my grand, just like any grandmother feels for her grandchild. Oh, bhai saab, ye kahan ja raha hai? Ye kahan ja raha hai? So please accept the thought that you are not here in vain. You will serve a great cause. My soup will become so delicious that its sweetness will be felt even through the bitter taste of your fear. May my love be with you, my dear. क्या बात है? एंड में शायरी भी मार रही है। अरे भाई ये क्या है, मतलब देखो ये बहुत ही ज्यादा जो नोट जो ये लेटर था ना उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा स्वीट जा रहा था, बहुत ही सही जा रहा था। मुझे लगा चलो यार ये ग्रैनी फ्रेंडली लग रही है, इसको गेस्ट पसंद है, इसको हम पसंद है, लेकिन नहीं, बाद में एंड में पता चला इसको, समझ गए ना, मतलब इसके इंटेंशन बहुत खराब है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग फिलहाल ये रूम में है, एंड इस रूम से हमें बाहर निकलना है, एंड ऑब्वियसली हमें ध्यान भी देना है कि बाहर ग्रैनी जो है ना हो, क्योंकि अगर वो होगी तो हमें ऐसे छुपना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग छुप सकते हैं, कबर्ड के अंदर भी छुप सकते हैं, बेड के अंदर भी छुप सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस है। फिलहाल अपन चलते हैं बाहर की तरफ, मैं तो भाग के आ गया भाई पूरा को पूरा। ओए नहीं यार ये। ओ बॉडी
क्या बात है यार, ग्रैनी की टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी मुझे। तो अभी जो है, आई नीड अ रॉक टू ब्रेक दिस। ओके तो रॉक, ओके ओके, तो रॉक की मदद से हमें ये प्लैंक्स को तोड़ना है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, इसलिए ये रॉक रखे इधर। बढ़िया है बढ़िया है। फिलहाल मैं थोड़ी देर इधर हाइड कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि वो आसपास तो नहीं है। वो है तो सामने की तरफ ही शायद, देखो इधर ही है उसका, वो मुझे दिखा था, शैडो दिखा था। इसने देखा ही नहीं अपने को, वो अच्छी बात है। अभी इसका मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, बट आई नीड टू सी गाइस कि ये हैमर कहां पे काम आएगी। ये रेडियो की जरूरत नहीं कुछ, ये फोटो ले लेता हूं गाइस। ये फोटो शायद से हमें कहीं तो लगाना है। कहाँ पे लगाना है वो, ये तो कहाँ पे मेरे को बता दे पहले। आजा आजा, तू आजा इधर, आजा इधर, आजा आजा मेरे पीछे, आजा आजा। मैं जा रहा हूँ बाहर भाई। मैंने जो है फोटो नीचे लगा दी, तो नीचे वो एक तस्वीर है, उसको मैं फुल, मतलब उसको पूरा हमें करना है, ठीक है, उसको फुल पिक्चर बनाना है, पूरा पूरा पिक्चर उसको बनाना है, वो मिसिंग पीसेस लगा के। एक्चुअली ये जो लोकेशन है ना, ये काफी सिमिलर है चैप्टर वन से। ये जो पूरा घर का लोकेशन है बहुत सिमिलर है चैप्टर वन से। चैप्टर वन मैंने खेला है मेरे इस चैनल पे, तो मुझे वैसे तो याद है कि कौन सी जगह होगी, लेकिन शायद से कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस वाले रीमेक में, तो लेट्स सी। ओके आई डोंट थिंक वो आ रही है, तो एक बार इधर देखते हैं। इधर हमें सेव की चाहिए। ओके तो सेव की इधर लगेगी, ठीक है, और इधर भी एक नोट पड़ा है। ये भी एक हिडन रास्ता है, वाओ। तो ये जो है कहीं और निकलेगा, ठीक है, तो ये काफी एक सही बचने का तरीका है, क्योंकि आई डोंट थिंक ग्रैनी जो है ऐसे छोटे छोटे रास्तों में वो क्राउल करके नहीं आती यूजुअली, तो इसलिए ये अच्छी बात है। तो हमें हर एक ड्रॉवर्स को खोलना पड़ेगा, एंड वी नीड टू चेक गाइस की। ओके ये गाड़ी का सामान है, ये रेडिएटर है, ये सब गाड़ी में लगेगा। अभी इन्होंने एक चेंज किया है कि जो गाड़ी है ना, गैरेज का लोकेशन इन्होंने चेंज कर दिया है। चैप्टर वन में जो है गैरेज उधर ही था, जहाँ पे हम लोग पहले थे ना, वो जहाँ पे पिक्चर लगाया था उधर ही कहीं पे वो गैरेज भी था, लेकिन इधर वो नहीं है। ओके ये तो वेल है, इसमें हमें एक हैंडल लगेगा खोलने के लिए। ओके इधर एंटीना चाहिए। कहीं से भी आ सकती है गाइस, इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे साहब, अभी ये स्क्रू ड्राइवर मुझे देखना पड़ेगा कि कहां पे लगेगा।
शायद से इधर आएगी गाइस। इसको आने दो एक बार, आजा आजा, जी यही चाहिए था। भाई साहब क्या बना के रखा है ये, कि एंटीना मिल गया। ओके इसका दरवाजा ही लॉक्ड है। शिट शिट ये इधर ही है। ओ भाई ओके ये लग गया एंटीना, इधर लगाना है हमें। 0076 गाइस, अभी ये 0076 याद रखना हमें, ये कोई तो एक जगह पे कोड लगेगा। ठीक है जल्दी आ जा, चलो अपन चलते हैं। अरे बढ़िया है, इसको जो है हमें ये वेल में लगाना है। ठीक है खींचने के लिए ओके, आई होप वो आना जाए जल्दी से। अपन जो है ये बकेट में से जो आइटम है वो ले लेते हैं। यूवी फ्लैशलाइट, अभी देखो गाइस ये मेरे को ना थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये जो यूवी फ्लैशलाइट है ना इसका हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसका यूज क्या है। ओ भाई इधर का इस ताला लगा है यार। ओके तो इसके लिए भी चाबी लगेगी। ओके अभी ये यूवी कहाँ पे काम करती है वो मुझे देखना है यार। ओके गाइस तो वो यूवी लाइट तो मैंने फेंक दी अभी अभी के लिए, आई डोंट थिंक कोई ऐसी जरूरत है अभी के लिए तो, बट मुझे अभी दूसरे लोकेशन पे जाना पड़ेगा या आगे भाई। भाई साहब मैं आ गया हूँ सबसे टॉप वाले फ्लोर पे। ठीक है एक्सप्लोर करने, देखने की हमें कुछ आइटम्स मिलती है कि नहीं, क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है ना पता नहीं क्यों बट आइटम्स रिपीट क्यों हो रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने पिक्चर ऑलरेडी बना दी, वो जो मिसिंग पिक्चर्स थे वो मैंने ऑलरेडी बना दी, वो पजल सॉल्व कर दिया, फिर भी मेरे को पिक्चर मिल रहे थे कहीं और।
पता नहीं क्यों, बट लेट्स सी, अभी फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमें कोई नई आइटम मिले। फिलहाल अपन ठीक है, तो कुछ नहीं है। कटिंग प्लायर्स थे यो भाई, भाई कटिंग प्लायर्स थे। गाइस पिक्चर को अपन कहीं लगा सकते हैं, शायद से मुझे ये जो पिक्चर्स है ना, इन पिक्चर्स को शफल करना है इनके जगह पे, ऐसा कुछ है, पता नहीं है। ये पिक्चर्स हम ले पा रहे हैं, हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वरना यूजुअली पिक्चर्स तो हम लोग ऐसे ही इंटरेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है जो पिक्चर्स होते हैं उसके साथ, तो लेकिन इसमें आ रहे हैं। तो आई गेस हमें शायद से पोजिशन चेंज करनी है, नॉट श्योर, लेकिन ये बहुत सारी मैंने आवाज़ कर दी है कैन की वजह से, तो ऑब्वियसली वो चेक करने आई होगी ग्रैनी। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ बट मेरे को ऐसा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए। ओह शिट, अबे ये कैसे खुल गया, मुझे निकलना चाहिए। देखो इधर टायर नहीं लेने दिया यार इसने मेरे को, टायर चाहिए था मेरे को। ये टमाटर एक्चुअली काम करता है उसको रोकने के लिए, थोड़ी देर स्टन कर देता है वो। इधर ही कहीं कुछ मिलेगा गैस मुझे, लॉकर्स में ना कुछ हो सकता है गाइस। कुछ है नहीं, अबे ये मिल गया ना, अबे मिल गया ये। क्या बात है, ये तो इधर ही है, क्या कर क्या रही है। आ गई यार, ये आ गई, तेरे को घूम के जाना पड़ेगा गाइस, ये पूरा घूम के जाना पड़ेगा इसकी वजह से। अभी इसके मदद से हम लोग वो दरवाजा खोल पाएंगे मेन डोर के सामने जो है वो। करती है ये,
मजे ले रहा हूँ। अच्छा भाई आज ऐसे सारे कितने चक्कर काट रहे हैं। फुल तो क्या है ये, लेकिन अपने को और कुछ चीज़ें चाहिए रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। ओ गाइस मिल गया, मिल गया कोड, मिल गया मेरे को। Guys, we have got it. Whoa. Oh, buddy. Guys, master की मिल गई है। Master की से अपन escape कर सकते हैं। गैरेज का वो खुल गया है, लेकिन पता नहीं मास्टर की काम क्यों नहीं कर रही है। नॉट श्योर यार, मतलब काम क्यों नहीं कर रही है मास्टर को, तो काम करनी चाहिए यार। शॉवल मिल गया गाइस, शॉवल मिल गया, मुझे यही चाहिए था एक्चुअली। शॉवल की मदद से अपन जो है बाहर वो स्नो है ना उसको हटा पाएंगे, निकाल पाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी देखते हैं इसमें से कुछ चीज़ें हमें मिल सकती है। बस वो सुन ना ले यार, इसकी आवाज़ भी ग्रैनी। गैसोलीन मिला है, ओके। वाटरमेलन गाइस, इसमें क्या है अभी? वाटरमेलन का यूज़ हम कर सकते हैं, उसमें से कुछ मिल सकता है हमें। फिर भी गैसोलीन है, ठीक है। सब गाइस अपने को सेफ की मिल गई है, अभी अपन चलते हैं सीधा वो लॉकर के पास, लेकिन हम लोग जाएंगे इधर से, ठीक है। माय लेग्स हर्ट सो मच आई कांट रन, ओके। ऑब्वियसली हम लोग 4-5 बार आउट हो चुके हैं, इसलिए अभी हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है भागने की, लेकिन ग्रैनी तो इधर ही घूम रही है। बहुत आवाज की इसने भाई, बहुत आवाज की, लिटरली बहुत आवाज कर दी। क्या करे
के जा रहा हूँ। You have done it. अपने वो मेन डोर का वो ये बंद कर दिया दोनों। Yes. Yes guys, you've done it. पूरा पावर ही चला गया इधर तो। गाइस अभी अपन एस्केप कर पाएंगे। दैट इज व्हाट आई फील गाइस। ओ भाई साहब, वी हैव डन इट। ओ तो गाइस फाइनली हमने जो है मेन डोर एस्केप कर दिया है एंड बहुत ज्यादा टाइम लगा लेकिन ओके इट्स डन। ओके ठीक है तो गाइस देखो फाइनली अपन ने कर दिया। मुझे लग रहा था कि अगर सपोज अगर अपन आउट हो जाते तो अपन मर जाते, अपन फुल्ली आउट हो जाते क्योंकि आई गेस चार पांच बार तो अपन आउट हो गए एंड उसके बाद और प्राइज शायद नहीं मिलते। बट फाइनली वी हैव डन, मेन डोर एस्केप हो गया। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पार्ट, दिस एस्केप ग्रैनी रीमेक का गेम प्ले वीडियो। अगर अच्छा लगा हो देन डू द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेम स्टार। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड सी यू वेरी वेरी सून। बाय।